अस्सलाम अलैकुम नाजरीन जी दोस्तों, अब सबको एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। खेल के मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल के साथ रहे। इससे ये होगा कि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज सबसे पहले अब तक लाजमी पहुंच सकेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी समेत टॉप क्रिकेटर्स को माहाना 45 लाख रुपए रिटेनरशिप फीस की पेशकश कर दी। इत्तलात के मुताबिक साबिका कंट्रैक्ट के तहत रीड बॉल प्लेयर्स का माहाना मुआवजा 10.5 लाख और वाइट बॉल का 9.5 लाख रुपए दिया जाता था। ताहम अब चेयरमैन जका अशरफ ने खिलाड़ियों के लिए तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा का यकीन दिलाया है। इससे कबल गुज़िश्ता कंट्रैक्ट में फीस में 10% इजाफा किया गया था। टेस्ट मैच फीस 8,38,530, वनडे इंटरनेशनल 5,15,696, जबकि T20 इंटरनेशनल फीस 3,72,075 रुपये थी, जो कि तमाम कैटेगरीज के प्लेयर्स को एक संभलती थी। दूसरी जानब बोर्ड के कंट्रैक्ट में ए कैटेगरी के खिलाड़ियों साल में एक लीग का NOC, बी कैटेगरी को 2 लेग्स जबकि सी कैटेगरी को सालाना 3 लेग्स में शिरकत की इजाज़त। बोर्ड के आला हुक्काम इस हकीकत से वाकिफ हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL में अदम शिरकत की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स दुनिया के दीगर टॉप स्टार्स की तरह कमाई नहीं कर पा रहे। 100% अजाला तो मुमकिन नहीं, मगर बोर्ड चाहता है कि उनको भी बड़ी रकम दी जाए जिससे माली आसूदगी हासिल हो।